तो हमने अष्टांग योग के जो 8 हिस्से हैं उसमें से यम के ऊपर थोड़ी चर्चा की, फिर नियम को समझा, अब आता है आसन। ये तीसरा चैप्टर है अष्टांग योग में। अब आसन के बारे में क्या है, आसन क्या है, हम क्यों करते हैं। स्थिरम सुखम आसन, महर्षि कहते हैं कि आपके शरीर को जो स्थिर रखने का आप प्रयास करते हो और जिस स्थिति में आप रहो उस स्थिति में आपको अगर कोई कष्ट नहीं होता है तो वो आपका आसन है, यह आसन का अभ्यास है, यह महर्षि को कहना है। अब ये आसन का अभ्यास करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जो बहुत महत्वपूर्ण है आसन में, क्योंकि देखो आप सभी लोग आसन प्राणायाम का जबरदस्त अभ्यास करते हो लेकिन वो करने की जो प्रक्रिया है, जो सूक्ष्म बातें हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। तो आसन के बारे में तो कहते हैं कि बहुत सारे आसन हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन आसन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम वो आसन कैसा करना है। अब देखो आप जो हमारे बाहर के देशों के लोग हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उनको नीचे ठीक से बैठना नहीं आता, उनके घुटने ऐसे जमीन से ऊपर रहते हैं एक फुट, क्योंकि उनको नीचे बैठने की आदत नहीं है, तो उसका अभ्यास करना पड़ेगा क्योंकि ये ध्यान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आसन हम क्यों उसका अभ्यास करते हैं, क्योंकि आसन में हमको शरीर में एक लचीलापन पैदा करना है, हमारे जो जोड़ है उनको ठीक करना है, हमारी जो मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव उत्पन्न करना है, हमारे शरीर में जो रक्त संचार होता है उसको अनुपात में करना है और शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करना है, इसलिए हम आसन का अभ्यास करते हैं, ये उसके पीछे का हेतु है। तो ये करने की भी एक क्रिया है। विहार योग में क्या बताया है ये आसन कैसा करेंगे, इसमें 4 श्रेणियों में आपको मैं विभाजित करूंगा। सर्वप्रथम आसन का बेस पोज है, प्रारंभिक स्थिति जिसे हम कहते हैं। कोई भी आसन करने के पहले एक स्थिति में आपको आना चाहिए, एकदम आसन शुरू नहीं करना चाहिए, स्टैटिक पोजीशन में आना चाहिए, अब इसके बाद मैं आसन शुरू करूंगा, तो एक स्थिति निर्धारित की है हर आसन की, कितने भी आसन हो हर आसन का एक बेस पोज जरूर होता है, वहाँ आपको स्थिर होना है। उसके बाद आसन की प्रक्रिया में घुसना, आसन का अभ्यास शुरू करना। तीसरी बात, आसन के चरम बिंदु जब आता है वहाँ कुछ देर तक रुकना, वो ठहराव बहुत जरूरी है, क्यों उस ठहराव में आपको पता लग जाता है कि आपके शरीर में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है, वो ठहराव बहुत जरूरी है अंतिम स्थिति में। और फिर आसन में से वापसी, मैंने क्या बताया, पहले प्रारंभिक स्थिति, आसन में प्रवेश करना, फिर आसन में ठहर जाना और आसन में रिटर्न जर्नी, वापस अपने बेस पोजीशन में आना, ये 4 बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये करते करते, ये आसन जल्दी में नहीं करना है, बड़े स्लो मोशन में आपको करना है, वहाँ जल्दी नहीं होना चाहिए आसन करते समय। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है, सजगता, सजगता अवेयरनेस बहुत जरूरी है आसन अभ्यास। आसन करते समय आप ध्यान और कहीं नहीं रख सकते, क्योंकि आपको आपके शरीर पर ध्यान रखना है कि शरीर में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, तो आपको सजग होना पड़ेगा आसन करते समय। और सबसे महत्वपूर्ण बात है आपका ब्रीदिंग, श्वास प्रश्वास, उसमें भी टेक्निक है। सामान्य श्वास लेते हुए आसन कर नहीं सकते, कुछ आसन ऐसे हैं कि जो सामान्य श्वास में भी आप कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे आसन हैं जिनको आपको यू हैव टू सिंक्रोनाइज योर ब्रीथिंग पैटर्न विद द बॉडी मूवमेंट, बहुत जरूरी है। कब सांस लेना, कब सांस को रोकना, कब सांस को छोड़ना, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। तो बेस पोज, आसन में प्रवेश करना धीरे से, अंतिम स्थिति में रुकना, आसन से वापस आ जाना बेस पोज के ऊपर, और ये सब काम सजगतापूर्वक आपको करना है। और उसके बाद आपके जो श्वास प्रश्वास की जो गति है उसको आपके शरीर की जो मूवमेंट होती है उसके साथ प्रॉपरली कोइंसाइड करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं आसन में।
तो बहुत है आसन हमारे स्क्रिप्चर अगर देखो तो 84 लाख आसन है, बताओ 84 लाख आसन। लेकिन हमारे बिहार योग ने उसमें से 84 का चयन किया है जिसके ऊपर हम अभ्यास करते हैं, ओनली 84। तो आपको कौन से आसन करना कौन से नहीं करना है इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी भुजंग आसन करता है इसलिए आप भी उसका देख के कर रहे हो, ये कहाँ की बात है। हो सकता है भुजंग आसन आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है, कभी कभी डॉक्टर बोलता है कि आपके रीढ़ की हड्डी में समस्या है और आप सामने झुकने वाले आसन धड़ाके से करते हो क्योंकि पड़ोसी कर रहा है, आपको कोई मार्गदर्शन नहीं कर रहा है। तो आज नहीं 5 साल बाद 10 साल बाद उसका अच्छा परिणाम नहीं आएगा, आपको आपके शरीर को तकलीफ हो जाएगी। तो आसन कोई 10-5-15 आसन एट ए टाइम कर लो तो कोई आप बहुत बड़े योगी बन गए ये उसकी परिभाषा नहीं है। आसन वही करो जो आपको आवश्यक है, आपके शरीर को सूट करते हैं वही आसन का आपको चयन करना चाहिए, और वो भी कोई भार भक्कम नहीं होने चाहिए। मैंने देखा कहीं कहीं शिविर में या किसी क्लासरूम में जाता हूँ अभी 25-25 आसन करवा लेते हो उनसे, क्या जरूरत है एक आम आदमी के लिए, क्यों करते हो आप ये इतने आसन, कोई जरूरत नहीं। मैं आपको बताता हूँ, स्वामी सत्यानंद जी ने उनके शिष्यों को कहा था कि भैया तू केवल ये 4 आसन करना और 2 प्राणायाम करना, बस खत्म। वो मुझे मुंगेर में मिले थे, एक ही रूम में रुके थे हम, वो सुबह 4 आसन करते थे और 2 प्राणायाम हो गया उनका बस। तो बोले मेरे हमारे गुरुजी ने हमको बताया है, उनकी उम्र 75 साल की थी और पिछले 30-40 साल से केवल वो 4 आसन और 2 प्राणायाम ही कर रहे हैं और स्वस्थ है, क्योंकि गुरुजी ने बोला यही करो आपको यही आवश्यक है, उन्होंने उसको 5वां आसन नहीं जोड़ा। जरूरत नहीं है, उतना काफ़ी है, जितना शरीर को जरूरत है उतना ही करो तो ये आसन में आ जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये बातें आसन करते समय। अब हम जो उनकी 4th पादान है अष्टांग योग की प्राणायाम, अब हम प्राणायाम के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। हाँ, प्राणायाम पर जाने के पहले मैं कुछ आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ, चार्ट देना इधर। हाँ मेरा वो वस्त्र भी दे दो, वस्त्र भी दे दो। आसन में एक महत्वपूर्ण चीज है हमारा मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि जैसे सजगता आसन करते समय जरूरी है, जैसे तुम्हारा ब्रीदिंग पैटर्न कोइंसाइड होना चाहिए आपके बॉडी मूवमेंट के साथ वो जरूरी है, उस हिसाब से आपको मेरुदंड का ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि इस मेरुदंड के वजह से ही है जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके वजह से बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती है। अगर आपने आपके स्पाइनल कॉर्ड को सशक्त रखा अच्छा रखा तो आपकी 30% बीमारियां नष्ट हो जाएगी। ये है मेरुदंड, ये देखिए ये मेरुदंड का मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, देखिए देख पाया आपके जीवन में मेरुदंड का इतना महत्व है। मैं तो यहां तक कहूंगा अगर आपको 2 बच्चे हैं तो समझ लेना 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे आपके जो है जो असली है और तीसरा बच्चा आपका है मेरुदंड, इतना उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और वो आसन करते समय अगर आप मेरुदंड को ध्यान रखोगे उसको सशक्त करोगे तो आपकी बहुत सारी बीमारियां इससे ही खत्म हो जाएगी, ये बहुत जरूरी है। अब यम नियम आसन के बाद मुख्य विषय आता है प्राणायाम का अष्टांग योग में। अब प्राणायाम पर थोड़ा देखेंगे, प्राणायाम क्या है, प्राणायाम हमें क्यों करना चाहिए, प्राणायाम का क्या महत्व है हमारे जीवन में। प्राणायाम का अर्थ है प्राण का विस्तार, प्राण मतलब ऊर्जा जो हमारे शरीर में है जो चलती है, आयम मतलब विस्तार एक्सपांशन ऑफ ब्रेथ, ये प्राणायाम का मतलब हो गया। अब इस प्राणायाम को हम अभ्यास के द्वारा करते हैं, जो हमारे रोज के श्वास लेना वो छोड़ना इस क्रिया के साथ संबंधित है। लेकिन हम जो सहजता से श्वास लेते हैं वो छोड़ते हैं वो भी ठीक से नहीं करते, उसमें भी गड़बड़ी करते हैं, क्योंकि
योग शास्त्र के हिसाब से आप जब श्वास लेते हो तो आपके फेफड़े पूरी तरह से भरना चाहिए, जो कि नहीं भरते हैं। हम बहुत छोटी सांस लेते हैं जो कि शरीर के लिए हानिकारक है। तो लंबी व गहरी सांस में उसका परिवर्तन हो जाए, उसके लिए हमको प्राणायाम का अभ्यास करना है, डीप ब्रीदिंग। अब आप देखो, हम श्वास पर श्वास लेते हैं, उसका संबंध कैसा हमारे जीवन से निगड़ित है। अगर कहते हैं कि आप एक मिनट के अंदर अगर 14-15 सांस लो, जो कि एक ठीक से अनुपात है, तो आप 100 साल तक जी सकते हैं, 100 साल के ऊपर। तो आपके जीवन मरण का भी इस श्वास पर श्वास के साथ संबंध है। और आप अगर जल्दी जल्दी सांस लो और छोड़ो तो आपकी आयु कम भी हो सकती है। आपने देखा होगा कि ये कुत्ते होते हैं, या कुत्ते बिल्ली ये पंछी होते हैं, या आप रैट ले लो, चूहा, इनकी आयु बहुत कम होती है, क्योंकि ये सांस बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं। आपने कुत्ते को देखा होगा, कहते हैं वो जो रैट है, चूहा जो है, वो एक मिनट में 1000 बार सांस लेता है। 1000 बार सांस कैसा जिएगा? तो हमारी सांस लंबी व गहरी होनी चाहिए, फेफड़े पूरे भरने चाहिए, इसके लिए प्राणायाम का अभ्यास करना है। अब आप खुद देखो, आप कभी अपने आप को टेस्ट करो कि आप एक मिनट में कितने सांस लेते हो। अगर एक मिनट में 14-15 आप सांस लेंगे तो 24 घंटे में 24,600 बार आप सांस लेंगे और छोड़ेंगे। ये अनुपात होना चाहिए स्वस्थ जीवन के लिए, लेकिन ये नहीं होता है, हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमने कभी अभ्यास किया नहीं प्राणायाम का। तो ये बहुत ज़रूरी आपको करना है। तो आप कभी भी देखो, आपके गिन के देखो, आप गिनती करो एक मिनट में आप कितना लेते हो। नहीं, अभी नहीं करना, अभी वीडियो चल रहा है, मैं कुछ और भी अष्टांगी योग के बारे में आपको बातें बता रहा हूँ, फिर आप इसका अभ्यास बाद में कर लेना कि आप कितने सांस लेते हो और कितने छोड़ते हो। उसका अगर अनुपात ज़्यादा है तो कहीं तो भी गड़बड़ी है, आपको प्राणायाम का अभ्यास करना ही पड़ेगा। अब इसमें प्राणायाम में कहते हैं हमारे शरीर में कम से कम 72,000 नाड़ियाँ हैं। ये शरीर विज्ञान में इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, ये साइकिक चैनल है, यह इनविजिबल है। लेकिन उस 72 नाड़ियों में से 3 नाड़ियाँ बहुत महत्वपूर्ण है प्राणायाम की दृष्टि से। एक सुषुम्ना नाड़ी, दूसरी ईड़ा और पिंगला, ये 3 नाड़ियाँ। अब इनकी स्थिति के बारे में थोड़ा सा मैं आपको अवगत कराता हूँ, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब सुषुम्ना नाड़ी जो है वो हमारे नीचे जो पेरिनियम है, जहाँ मूलाधारा चक्र स्थित है, वहाँ से शुरू होती है रीढ़ की हड्डी के साथ। आपको हमने रीढ़ की हड्डी का चित्र दिखाया ना, उसके बीच में से निकलती है और चक्रों के माध्यम से, चक्रों से ऊपर जाके आज्ञा चक्र से जाके हेड ऑफ द क्राउन, यहाँ जो है सहस्रार चक्र है, यहाँ आके समाप्त होती है। ये आध्यात्मिक नाड़ी है, ये आप देख नहीं सकते। दूसरी दो महत्वपूर्ण नाड़ी है ईड़ा और पिंगला। आप एनाटॉमी में तो इसको नाक कहते हो, लेकिन हमारी यौगिक भाषा में ये ईड़ा और पिंगला है। मेरे बाईं ओर की जो नासिकाग्रह है उसे ईड़ा कहते हैं, और दाहिनी ओर की जो है उसे पिंगला कहते हैं। ईड़ा नाड़ी यह शांतता का प्रतीक है, इसलिए इसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। और जो पिंगला नाड़ी है बहुत प्रखर है, इसलिए उसे सूर्य नाड़ी भी कहती है। अब इनकी हमारे शरीर में कैसी पोजीशन है, कहाँ रहते हैं, ये भी नाड़ी नीचे से पेरिनियम जो है, नीचे मूलाधारा चक्र, वहाँ से शुरू होती है। वो भी सुषुम्ना बीच में है, सुषुम्ना नाड़ी जो है वो बीच में है। ये स्पाइरल होते हुए दोनों भी नाड़ी आपस में, ईड़ा नाड़ी जो है वह बाईं ओर से निकलती है पेरिनियम के, पिंगला नाड़ी जो है वो पेरिनियम के दाहिनी ओर से निकलती है, और वो स्पाइरल होते हुए सांप जैसी ऊपर आके आज्ञा चक्र में मिलती है।
ये उनकी पोजीशन है। मैं आपको बताता हूँ, आप देख लीजिए, उसका चित्र भी आपको मैं बताता हूँ। देखिए, बताइए भाई जरा इनको, ये नाड़ियों की स्थिति, ये चित्र देखिए, सुषुम्ना नाड़ी जो है वो सेंटर में है और ईड़ा और पिंगला स्पाइरल होते हुए ऊपर आ रही है। ये पिक्चर है नाड़ियों का। अब इनका क्या रोल है? ये जो नाड़ियां है हमारे चक्र को छेदते हुए जाती है, हमारे स्पाइन, मैंने बताया ना मेरुदंड बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ये चक्र स्थित है, साइकिक सेंटर कहते हैं उनको। मूलधारा है, स्वादिष्टाना है, अनाज चक्र है, बिंदु है, सहस्त्राना है, आज्ञा चक्र है, उसके ऊपर ये संभाषण करने का ये समय नहीं है। तो ये चक्र भी स्थित है। अगर आप प्राणायाम का अभ्यास करते हो, प्राणायाम का अभ्यास करने से आपका श्वास प्रश्वास में कुछ संतुलन आता है, वह बिल्कुल डीप हो जाता है, तो हो सकता है आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाए, ईड़ा पिंगला उनको मदद करेगी और आपका जीवन समृद्ध हो जाएगा। तो ये नाड़ियों को प्रभावित करने के लिए आपको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो फिर नाड़ियों को प्रभावित क्यों करना? क्योंकि इनका संबंध इन नाड़ियों का हमारे मस्तक से भी है। अपना जो मस्तक है वो दो विभागों में बटा हुआ है, टू हेमिस्फीयर्स, दो भाग है उसके। अब हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, एंडोक्राइन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ये सब सिस्टम्स अंदर काम करते हैं, आंतरिक अंग में उनको वो मदद करते हैं, ये सिस्टम्स पूरे हमारे एनाटॉमी हमारे शरीर में काम करती है। अब हमारे मस्तिष्क में एक हमारे एक सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं उनको, हमारे मस्तिष्क में है, जो हमारे पूरे शरीर का संचालन होता है उसके द्वारा। उसमें दो भाग है, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे पिंगला नाड़ी के साथ संलग्न है, और पैरासिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे ईड़ा नाड़ी के साथ संपर्क रखती है। तात्पर्य ये कि ऊर्जा नाड़ी के साथ जो हमारी ये जो पिंगला है वो हमारे नर्वस सिस्टम की जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके साथ संलग्न है, जो कि थोड़ी सी उग्र है, क्योंकि वो सिस्टम हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग है, जैसे हृदय है, हमारे फेफड़े हैं, उनको उत्तेजित करती है। मतलब आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, आप में एक प्रकार की ऊर्जा आ जाएगी और आपको एक प्रकार की शक्ति मिलेगी। लेकिन ईड़ा नाड़ी जो है वो शांतता का प्रतीक है, मैंने आपको बताया था, वो चंद्र नाड़ी के साथ संलग्न है। तो वो जो नर्वस सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम अपोजिट काम करती है, सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसके अगेंस्ट में काम करती है। वो क्या करती है, आपके ब्रीदिंग को स्लो कर देगी, आप में थोड़ी सी ऊर्जा की कमी कर देगी, आपकी गतिविधियाँ थोड़ी सी कम कर देगी। लेकिन ये दोनों भी सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि वो बैलेंस पैदा करती है। अब ये जो नर्वस सिस्टम है हमारी, वो दोनों ईड़ा पिंगड़ा के साथ जुड़ी हुई है। तो आपने ये देखा होगा ये कैसे काम करते हैं। आप जब खाना खाते हो तब आपकी वो जो नाड़ी है वो नाड़ी पिंगला चालू होनी चाहिए, क्योंकि वो ऊर्जा का प्रतीक है, दाहिनी ओर की नाड़ी चालू होना चाहिए। अगर वो चालू है तो समझ लो आप खाने में ध्यान दे रहे हो। सोते समय पिंगला नाड़ी उत्तेजित रहती है तो आपको अच्छी नींद आएगी। आप कल्पना करो, आप सोने जा रहे हो और आपकी दाहिनी नाड़ी जो सूर्य का प्रतीक है वो काम कर रही है, तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो ऊर्जा की नाड़ी है। आपको खेल कूद करना है तो आपकी पिंगला नाड़ी चालू होनी चाहिए, आपको पढ़ाई करना है तो आपकी ईड़ा नाड़ी चालू होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर ने यह सिस्टम भी दी है, विज्ञान भी ऐसा ही कहता है
कि हम जो श्वास प्रश्वास की जो क्रिया करते हैं तो 60 मिनट के लिए या 90 मिनट के लिए एक नाड़ी हमेशा बंद रहती है और एक नाड़ी चालू रहती है और एक नाड़ी बंद होती है, और कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि दोनों भी नाड़ियाँ चालू रहती है। तो इसका अर्थ यह है कि आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो जागृत हो चुकी है जब दोनों भी नाड़ियाँ चालू रहती है। बड़े बड़े ऋषि महात्माओं की ज़्यादा से ज़्यादा समय तक दोनों भी नाड़ियाँ चालू रहती है। अभी आप अभी चेक करके देखो, आप देखो नाक को हाथ लगा के देखो, तो इसकी परीक्षा अभी आप ले सकते हो, अभी कर सकते हो, आप अभी करो। एक एक नासिकाग्रह के ऊपर दबा के रखो और सांस लो, पता लगेगा ये बंद है या चालू है। या इसको आप करोगे, देखो मेरी इस समय वैसे दोनों भी चालू है, पता नहीं क्यों, बाकी एक बंद रहती है और दोनों चालू रहना बहुत अच्छी बात है। तो ये आपको पता लगेगा कि एक नाड़ी चालू है एक बंद है। स्वामी जी मेरे तो दोनों ही नाड़ियां बंद है। ये तो गजब बता दिया आपने, होना नहीं चाहिए। दोनों की नाड़ियां बंद है मतलब तुम क्या करते हो भाई, कैसा काम चलेगा? ये ठीक नहीं है। दोनों भी नाड़ियां बंद है, कुछ तो भी समस्या है आपको, कुछ दवाई ले लो और उसमें से एक नाड़ी चालू कर दो, वो बहुत जरूरी है, एक नाड़ी चालू रहना। तो ये हमारे नाड़ियां मस्तक से जुड़ी होने की वजह से क्या होता है कि तुम्हारे पूरे शरीर के ऊपर ठीक से नियंत्रण हो जाता है। इसी वजह से आपको प्राणायाम का अभ्यास निरंतर करना चाहिए ताकि आपके पूरे सिस्टम अच्छे काम करे, मन को शांति मिले, क्योंकि ये सब प्राणायाम आपके मन को उत्तेजित करता है। और प्राणायाम का अभ्यास ध्यान के लिए बहुत आवश्यक है। बिना प्राणायाम का अभ्यास किए अगर आप ध्यान लगाते हो तो मुझे नहीं लगता आपका ध्यान लगेगा, क्योंकि ध्यान में तो श्वास प्रश्वास बहुत महत्वपूर्ण विधि है उसकी। तो आपको ये सीखना पड़ेगा, प्राणायाम का तो अभ्यास आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ध्यान ये सातवीं विधि है अष्टांग योग में, सातवीं पादान पर है, उसके बाद समाधि है। तो प्राणायाम नहीं करोगे तो ध्यान कैसा लगेगा आपको? अब इस प्राणायाम में एक विधि बहुत और महत्वपूर्ण है, उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, उसको कुंभक कहते हैं। आप जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करते समय आप जो श्वास प्रश्वास लेते हो उसमें रुकने का कोई सवाल नहीं आता, लेकिन ये भी अभ्यास करना चाहिए, सांस लेने के बाद कुछ देर तक सांस को रोक के रखना चाहिए और उसके बाद सांस को छोड़ना चाहिए। तो जो रोक के रखने का विधि है उसको कुंभक कहते हैं, और ये कुंभक हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्यों है? क्योंकि योग शास्त्र में तो कुंभक को प्राणायाम का आत्मा कहते हैं, वो जीवन है, कुंभक ही जीवन है। तो कुंभक का अभ्यास करना चाहिए, और बहुत सारे प्राणायामों की ऐसी विधियां हैं जिसमें कुंभक का भी आपसे अभ्यास कराया जाता है। कुंभक का अभ्यास करना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो एक प्राणायाम के बारे में हमने सब जानकारी ली, प्राणायाम का आपको अभ्यास करना चाहिए। हमारे हठ योग प्रदीपिका जो है उसमें महर्षि कहते हैं कि दो सांसों के बीच का जो समय है उसी को जीवन कहते हैं। तो उस जीवन को हमको जीते आना चाहिए, हमको अच्छी तरह से जीना चाहिए, इसलिए प्राणायाम का अभ्यास बहुत जरूरी है।